नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त मौजूद है हम मुंब्रा के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ आप देख सकते हैं उम्मीद फाउंडेशन के तरफ जो है हैंडीकेप बच्चों के लिए एक यहाँ हैंडीकेप बच्चों के लिए जो यहाँ पर कुछ भी आपकी तरफ से दान के तौर पे पुराने कपड़े हो गए या उन्हें आप जो भी गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं यहाँ पर बाकायदा लगाया गया है कि आप अपनी तरफ से उनको दे। और बच्चों ने जो है रेलवे की सुरक्षा के लिए मुंब्रा स्टेशन के प्लेटफार्म पर जो एक रैली निकाली हुई है उनका वो आइए हम जानते हैं उनसे, उन बच्चों से ही हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो वो रैली निकाले हुए हैं, जो हैंडीकेप बच्चे हैं वो रैली निकाले हुए हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो रेलवे यात्रियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं इस बारे में। सर, आज जो ये बच्चे जो हैं इनको लेकर आप यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, किसका क्या उद्देश्य देना चाह रहे हैं आज? जी बेसिकली आज महात्मा गांधी जयंती है और 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक के एक दान उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है पूरे ही इंडिया में। बेसिकली सर ये दान उत्सव जो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये तो हमारी एक ही संस्था है जो स्पेशल मतिमंद बच्चों को लेकर के हम यहाँ पर आए स्टेशन पे, जिसका उद्देश्य यही है दान उत्सव का कि आप कुछ तो सोसाइटी को दीजिए, चाहे वो टाइम दीजिए, चाहे मटेरियल दीजिए, चाहे आप किसी को किसी तरह से कंट्रीब्यूशन कीजिए पैसे के ज़रिए। बट बेसिकली हमने एक अलग तरीके से यहाँ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ तमाम मतिमंद बच्चे जो आप देख रहे हैं, जो अपने अपने फ्लैग कार्ड को लेकर के यहाँ पर आए हैं, ये तमाम को अपना अपना एक स्माइली स्टिकर्स लगा रहे हैं और ये उद्देश्य दे रहे हैं कि आप सेफली ट्रैवल करें, गड़बड़ी ना करें, हैंडीकैप डब्बे में ना चढ़े और ख़ास तौर पे स्टेशन के परिसर में जितने भी चीज़ें हैं उसकी सफाई का ख्याल रखें और सेफ्टी ट्रैवल करें। ये हमारा मकसद आज के प्रोग्राम का। और इसमें हमारी उम्मीद फाउंडेशन स्पेशल उम्मीद द होप स्पेशल बच्चे जो है मतिमन, ब्लाइंड और VI, ये तमाम बच्चों ने मिल करके इस प्रोग्राम को किया। और रॉबिन हुड आर्मी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एज ए वॉलंटियर बेसिस पे हमारे साथ इन्होंने काम किया। अब जो हम सबसे बड़ा प्रोग्राम करने वाले इसी स्टेशन पे वो सैटरडे संडे हमारा यहाँ पर कलर का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें कई स्कूल शामिल हो रही है, जो स्टेशन को कलरफुल हम बनाना चाह रहे हैं और ये बहुत जल्द हम सैटरडे संडे ये बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आपके जो उम्मीद फाउंडेशन है इसमें लगभग कितने बच्चे रहते हैं? इस उम्मीद फाउंडेशन में बेसिकली 250 के ऊपर बच्चे एडमिशन्स है, लेकिन 160 बच्चे को ही हम लोग सपोर्ट कर पाते हैं चूँकि रिसोर्सेज बहुत कम है। और ये टोटली फ्री अपंग स्कूल पिछले 8 सालों से मुंब्रा में चलाई जाती है, जो किसी तरह से बच्चों को पैसे नहीं लिए जाते हैं और हमेशा ये किसी ना किसी तरीके से हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम करते ही रहते हैं। दूसरा जो है ये जो हैंडीकैप बच्चे दान उत्सव फाउंडेशन के जो है बच्चे, इन्होंने एक रैली यहाँ मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर निकाला था। इनका साफ उद्देश्य था कि जो रेलवे में हैंडीकैप डब्बा आरक्षित रखा जाता है उस डब्बे में कोई भी यात्री सफ़र ना करे, क्योंकि रेलवे की तरफ से वो डब्बा इन लोगों के लिए आरक्षित रखा जाता है। और ख़ास तौर पर इन्होंने रेलवे में सफ़र करने वालों को भी सलाह दी कि जो रेलवे पर डोर पर सफ़र करते हैं और लटकने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हादसा हो जाता है और ट्रेन एक्सीडेंट भी होते हैं, खंभे लगते हैं साइड से, उन लोगों को इन लोगों ने ख़ास तौर पर सलाह दी है कि वो रेलवे में जो यात्रा करें अपनी सुरक्षित यात्रा करें, किसी भी तरह का अपनी जान जो है मुसीबत में ना डालें। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।